ब्रेकिंग न्यूज की आज शुरुआत करेंगे बिहार से आई एक बड़ी खबर को लेकर। आपको बता दें कि जमीन के बदले नौकरी घोटाले में बिहार की पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी से सीबीआई पटना में पूछताछ कर रही है। ये पूछताछ पटना में राबड़ी देवी के घर पर की जा रही है। 15 मार्च को इस मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा की पेशी हुई और इस मामले में राबड़ी का एक बयान सामने आया है। आपको बता दें आरजेडी ने भी इस पूरे मामले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। आरजेडी के नेता शक्ति यादव का यह कहना है कि लालू के सक्रिय होने से बीजेपी घबरा गई है। नौकरी के बदले जमीन घोटाले की सीबीआई की ताजा कार्रवाई को आरजेडी ने बदले की कार्रवाई बताया है। और शक्ति यादव की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, आरजेडी की तरफ से क्या कहा गया, कैसे आरोप लगाए गए, हम आपको सुनवाते हैं। देश की जनता और बिहार की जनता बहुत बारीकियों से इन चीजों को समझ रहा है और ये आपने कभी नहीं देखा होगा कि जब आदरणीय लालू प्रसाद जी सिंगापुर से किडनी ट्रांसप्लांट के पश्चात लौटे हैं, थोड़ी सी सक्रियता, हल्की सक्रियता उनकी एक बढ़ी, एक कार्यक्रम में उन्होंने जुड़ा वर्चुअली, उसके बाद देश के हुकुम देने। और अब आपको कुछ जानकारियां दिखाते हैं ग्राफिक जरिए, जिसके जरिए आप समझेंगे कि पूरा विवाद जो है दरअसल है क्या, क्यों यहां पर ये तमाम आरोप लगे हैं और पूछताछ हो रही है। तो दरअसल लालू यादव जब रेल मंत्री थे उस दौरान का ये मामला है और नौकरी के बदले जमीन घोटाला, रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी देकर लाभार्थियों से कहा जा रहा है कि जमीन ली गई थी, लाभ लेने का यह मामला, नौकरी के बदले लालू यादव के परिवार पर यह आरोप है कि उन्होंने जमीन ले ली थी रिश्वत के तौर पर, कौड़ियों के भाव कीमती जमीनों को ले लिया गया था और इसके बदले उन्हें नौकरी दे दी गई थी, यही आरोप लगे हैं जिसको लेकर यह पूछताछ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रोहित जुड़ रहे हैं पटना से। रोहित, जरा बताइए हमें कि आज सीबीआई कितने बजे पहुंची, क्या आधार रहा आज जांच पड़ताल का, क्या कुछ बातें सोर्सेस के हवाले से निकल आई और इसका बिहार की सियासत में कैसा असर? जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त राबड़ी देवी के सरकारी आवास के बाहर हम मौजूद हैं, 10 सर्कुलर रोड, जहां सुबह से ही सीबीआई की टीम यहां पर पहुंची हुई है। 12 सदस्यीय टीम है ये सीबीआई की और अंदर राबड़ी देवी से पूछताछ चल रही है। राबड़ी देवी, दरअसल ये पूरा जो मामला है लैंड फॉर जॉब स्कैम, उसमें जो सीबीआई ने दिल्ली की कोर्ट में चार्जशीट दायर किया है उसमें उनका भी नाम है और उस चार्जशीट में लालू परिवार से लालू प्रसाद खुद, राबड़ी देवी और मीसा भारती को कोर्ट ने 15 मार्च को बोला है कि वो कोर्ट के सामने पेश हो इस पूरे मामले में। कोर्ट ने इस पूरे चार्जशीट का संज्ञान लिया है और इसको संज्ञान लेने के बाद अब पेशी के जो है वो निर्देश दिए हैं और इसी कड़ी में आज की ये छापेमारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि 15 मार्च को राबड़ी देवी को दिल्ली जाना है, वहाँ कोर्ट के सामने उनकी पेशी होनी है, लेकिन उससे पहले पटना में उनकी मुसीबतें बढ़ गई हैं क्योंकि सीबीआई की टीम आज सुबह से ही उनके आवास पर पहुंची हुई है और इसी पूरे मामले को लेकर लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। उनसे कुछ जो बताया जा रहा है कि सीबीआई को कुछ नए जो लीड्स मिले हैं, कुछ क्लूज मिले हैं और उसी को लेकर चार्जशीट दायर। नहीं रोहित, तो इससे पहले कि हम राहुल के पास दिल्ली में जाएं, जरा एक बार हमें बता दीजिए कि वहां पर कोई प्रदर्शन या विरोध भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि आरजेडी बयानों के जरिए तो विरोध दर्ज करवा रही है, कार्यकर्ताओं की तरफ से क्या रिएक्शन वहां नजर आ रहा है? जी देखिए, कार्यकर्ता कुछ यहाँ पहुंचे हुए हैं और उग्र होकर नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन शक्ति यादव जो प्रवक्ता है हमारे साथ वो मौजूद है। शक्ति जी, सवाल ये उठ रहा है कि आखिर जब 15 तारीख को पेश होना है राबड़ी देवी लालू परिवार के लोगों को कोर्ट में, उससे पहले आज ये छापेमारी, कोई सवाल जवाब क्यों? देखिए, होली के दिन छापेमारी किसी के गले से नीचे नहीं उतर रहा है। ये पूछताछ के लिए आई है, किस कारण आई है, सीबीआई के अधिकारियों का कोई दोष नहीं होता। एक लाइन में आपको सबको पता होना चाहिए कि ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं सीएम पीएमओ में, जो बैठे हुए हैं होम मिनिस्ट्री में, उनके आदेश का अनुपालन सीबीआई कर रही है, तो अधिकारी का क्या? बिहार ने ही प्रसप्शन एस्टेब्लिश किया था कि 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, तो समान विचारा धारा वाले दल जब एक मंच पर आ गए तो भाजपा की बौखलाहट स्वाभाविक है। और लालू जी वर्चुअली जो जुड़े पूर्णिया में, उस सक्रियता ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर और
आग प्रज्वलित कर दिए, व्याकुल हो गई भाजपा। आरजेडी ने भी जो चिट्ठी का लिखी थी ना विपक्षी दलों ने, जो पीएम को लिखा था उस चिट्ठी में आरजेडी का भी नाम था। सब लोगों ने कहा है, सब लोगों ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का रक्षा कौन नहीं चाहेगा, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कतई देश के लोकतंत्र के हित में नहीं है। लोकतंत्र, अरे रोहित एक बार जरा वहां तस्वीरें भी दिखा दीजिए, आप बातचीत कर रहे हैं लेकिन एक बार कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट कीजिए कैमरा पैन करके तस्वीरें भी दिखा दे। बिल्कुल, देखिए आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं 10 सर्कुलर रोड की, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर धीरे धीरे जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं और यहाँ पर लगातार जो है वो सक्रियता यहाँ पर बढ़ती जा रही है और कुछ लोग यहाँ पर बैनर पर देखिए लालू की तस्वीर लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? भाई अरुण। अरुण जी, आप लालू प्रसाद की तस्वीर लेकर आए हैं, क्यों यहाँ पर आप नारेबाजी कर रहे हैं? नहीं, नारेबाजी नहीं, सीबीआई का विरोध कर रहे हैं। लालू जी का तस्वीर से प्रेरणा मिलती है, लड़ाई लड़ने की प्रेरणा मिलती है। लालू यादव जमीन के नेता थे, संघर्ष के नेता हैं और मैं संघर्ष का आदमी हूँ तो लालू यादव का फोटो लेकर करके सीबीआई का विरोध कर रहा हूँ। विरोध कर रहे हैं तो यहाँ सीबीआई का विरोध किया जा रहा है आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा, लेकिन सक्रियता देखे कितनी ज्यादा यहाँ पर जो है वो बढ़ी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस की जो है डिप्लॉयमेंट यहाँ पर ज्यादा संख्या में यहाँ पर कर दी गई है और पिछले कई घंटों से यहाँ पर जो है सीबीआई की टीम वो 10 सर्कुलर रोड के अंदर मौजूद है और पूछताछ यहाँ पर राबड़ी देवी से कर रही है, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल जरूर खड़े किए जा रहे हैं आरजेडी की तरफ से कि होली का भी माहौल है और होली के मौके पर आखिर क्यों ये छापेमारी और सवाल जवाब किया जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, मेरे एक और सहयोगी राहुल जो है वो दिल्ली में सीबीआई हेडक्वार्टर के पास मौजूद है। राहुल, 15 तारीख को पूछताछ होनी है, उससे पहले होली के दिन कहा जा रहा है या होली के अवसर पर कह दें कि वहां पर छापेमारी जो है वो हो रही है, दिल्ली में क्या हलचल है सीबीआई में और क्यों आज छापेमारी, जो सवाल उठ रहे हैं जरा बताइए इस बारे में। देखिए, चार्जशीट इस मामले में ऑलरेडी सीबीआई फाइल कर चुकी है जिसके अंदर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनकी जो बेटी है मीसा भारती, उनको आरोपी बनाया गया है। बाकायदा ये आरोप लगे हैं कि तकरीबन 7 ऐसे मामले सामने निकल कर आए हैं जिसमें जो परिवार का सदस्य है उसको नौकरी दी गई ग्रुप डी के अंदर जब लालू प्रसाद यादव रेलवे मंत्री थे और इसके एवज में औने पौने दामों पर वो जमीन या तो खरीद ली गई या वो परिवार ने लालू प्रसाद यादव के परिवार को गिफ्ट में दे दी, यानी तोहफे के तौर पर दे दी। इस मामले के में ये भी आरोप लग रहे हैं कि मात्र 3 दिन के अंदर जो एप्लीकेशन दी गई नौकरी के लिए और उनको नौकरी मिल गई। अब जो ये नई जो नई पूछताछ हो रही है, मैं बता दूं कि छापेमारी नहीं हो रही है, मात्र पूछताछ हो रही है और इस पूछताछ में बताया जा रहा है कि नए तथ्य निकल कर आ रहे हैं और अगर नए सबूत, नए साक्ष्य निकल कर आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि सीबीआई एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी फाइल कर सकती है इस पूरे मामले के अंदर। 15 तारीख को पेशी है, साफ तौर पर आप ये कह सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव के परिवार के लिए मुश्किल जो है वो बढ़ेगी क्योंकि अगर सीबीआई को नए तथ्य मिलते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं, और भी जमीन ऐसी हो सकती है जिनको लिया गया हो लालू प्रसाद यादव के परिवार की तरफ से, तो इस पूरे मामले को की गंभीरता को देखते हुए इस वजह से सीबीआई ने आज पूछताछ की है। अमूमन तौर पर सीबीआई के ऑफिस जाते हैं लेकिन विशेष परिस्थितियों के अंदर आप एक रिपोर्ट देते हैं और जो सीबीआई टीम है वो आरोपी के घर जाती है। ठीक है रोहित और राहुल, आप दोनों नजर बनाए रखिए, जैसे कोई बड़ी अपडेट आएगी फिर आपके पास लौटेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर एक और एनकाउंटर हो गया है। उमेश पाल हत्याकांड का एक शूटर पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया है। पुलिस के मुताबिक विजय कुमार और उस्मान चौधरी ने उमेश पाल पर सबसे पहली गोली चलाई थी। ये मुठभेड़ प्रयागराज के कौंधियारा इलाके में हुई है और विजय कुमार और उस्मान चौधरी पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। इससे पहले अरबाज नाम के एक आरोपी भी पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। पिछले महीने 24 फरवरी को उमेश पाल की बदमाशों ने हत्या कर दी थी। उमेश पाल सफेद रंग की कार से अपने घर पहुंचे थे। शूटर भी पीछा करते समय सफेद रंग की कार से उमेश पाल के घर तक पहुंचे थे और उसके बाद उमेश पाल की क्रेटा कार पर शूटरों ने हमला किया था। शूटर भी क्रेटा से ही आए थे। प्रयागराज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी बताया जा रहा है, जिसको गैंग में उस्मान बताया गया, वो मुठभेड़ में ढेर हो गया है। मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। योगी ने जो कहा वो किया। उमेश पाल हत्याकांड के शूटर नंबर 1 को मिट्टी में।
और इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुछ कह रहे हैं, आइए सीधे रुख करते हैं और सुनते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं। सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए। थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद सर, और लक्ष्य प्रेरित है हम ठहरने का काम। अरविंद केजरीवाल इस कार्यक्रम में थे जहां पर सरकार पर निशाना साधा और उनकी तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, सरकार दुर्भावना से काम कर रही है। कह रहे थे कि प्रताड़ित करना अच्छी बात नहीं है, राबड़ी देवी के घर सीबीआई टीम मौजूद है और हर एक मामले को लेकर जिस तरह से विपक्षी आवाज को दबाया जा रहा है, ऐसा कहना था अरविंद केजरीवाल का, दिल्ली के मुख्यमंत्री का, जो बार बार ये कह रहे थे कि विपक्ष को साथ आना चाहिए क्योंकि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान सामने आया है और कहा कि विपक्ष पर छापे मारना गलत है, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये बयान सामने आया है। 45 से 60 दिन में हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन कंप्लीट करके दिखाया। अभी दो चार छोटी छोटी चीजें बाकी हैं, जैसा बताया गया कि हाई टेंशन वायर एक है, तो कुछ दिन तक अभी इस पे लाइट व्हीकल्स चलेंगे, जब वो हाई टेंशन वायर हटा दी जाए, वो हो जाएगा, तो दूसरे व्हीकल्स को भी अनुमति दे दी जाएगी। ये 1425 मीटर लंबा फ्लाईओवर है। दिल्ली के अंदर जब से हमारी सरकार बनी है, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को, खासकर ट्रांसपोर्ट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं। दिल्ली में टोटल अभी तक 101 फ्लाईओवर और अंडरपास हैं, उसमें से लगभग 27 फ्लाईओवर और अंडरपास पिछले 7 साल में हमारी सरकार के दौरान बने हैं। तो हमारे से पहले 65 साल में 74 बने थे और हमारे टाइम में 27 बने हैं। अभी आने वाले दिनों में 15 बड़े बड़े फ्लाईओवर या फ्लाईओवर के एक्सटेंशन या डबलिंग ऑफ फ्लाईओवर, इस तरह से 15 और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में हैं। जैसे पंजाबी बाग में 6-लेन फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, जो कि उम्मीद है 31 दिसंबर इसी साल कंप्लीट कर लिया जाएगा। सराय काले खां पे आप देखोगे एक डबलिंग चल रही है, वो 31 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा। आनंद विहार के पास रोड नंबर 56 में कंस्ट्रक्शन चल रही है फ्लाईओवर की, वो 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। मंगल पांडे मार्ग फ्लाईओवर गगन सिनेमा पे एक फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, डबलिंग ऑफ फ्लाईओवर एट सावित्री सिनेमा नेहरू प्लेस, रोटरी एट शालीमार बाग, नजफगढ़ फिरनी, माँ आनंदमयी फ्लाईओवर, त्रिपोलिया गेट से रानी झांसी फ्लाईओवर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, एलिवेटेड रोड फ्रॉम वजीराबाद सिग्नेचर ब्रिज टू DND फ्लाईवे, एक्सटेंशन ऑफ नेहरू प्लेस फ्लाईओवर टू मोदी मिल फ्लाईओवर, LC 12 रेलवे ओवर ब्रिज एट खेड़ा खुर्द। सो ये लगभग 15 ऐसे और फ्लाईओवर्स के प्रोजेक्ट्स हैं जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं और लोगों को वहाँ पे ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाएंगे। इसके अलावा दिल्ली की सड़कों को खूबसूरत करने का, मैंने जैसे अभी कुछ दिन पहले अनाउंस किया था कि दिल्ली की सड़कें जो हैं उनको ब्यूटिफाई करने का, उनकी रोज़ सफाई हो, उनकी रोज़ धुलाई हो, मैकेनिकल सकिंग मशीन से वहाँ पे मिट्टी हटाई जाए, उससे जोड़ के भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से मैंने कल इसके ऊपर बोला भी था कि जिस तरह से एक ये ट्रेंड बनता जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में काम नहीं करने दिया जाएगा, तो या तो उन राज्यों के अंदर ED CBI छोड़ के उन विपक्षी दलों के राज्यों के अंदर उनको तंग किया जाता है, या गवर्नर के जरिए उन लोगों को तंग किया जाता है, तो इस तरह से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जनतंत्र तो तभी चलेगा, देश तो तभी आगे बढ़ेगा जब सारे मिलके काम करेंगे। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जिसको भी वोट मिला उसकी सरकार बनी, उसकी सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए। थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद सर। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि विपक्ष पर बदले की भावना से कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब वापस बात करते हैं प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड को लेकर, जिसमें पुलिस ने एक शूटर को मार गिराया है और मुठभेड़ में कहा जा रहा है कि विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी
जिसने उमेश पाल पर सबसे पहली गोली चलाई थी, मुठभेड़ में वो मारा गया है। विजय कुमार उर्फ उस्मान चौधरी पर पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। इससे पहले अरबाज नाम का एक आरोपी भी पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। पिछले महीने 24 फरवरी को उमेश पाल की बदमाशों ने हत्या की थी। उमेश पाल सफेद रंग की कार से अपने घर पहुंचा था और शूटर भी पीछा करते सफेद रंग की कार से उमेश पाल के घर पहुंचे थे। उमेश पाल की कार क्रेटा थी, शूटरों की कार भी क्रेटा थी। फरवरी का महीना हायरिंग के मोर्चे पर गुड न्यूज देकर गया। बीते महीने सुस्ती का सामना कर रहे आईटी सेक्टर समेत तमाम सेक्टर्स में कई नई नौकरियों के मौकों में इजाफा हुआ। इससे ग्लोबल सुस्ती के बावजूद भारत की ग्रोथ स्टोरी में दुनिया का भरोसा ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। ग्लोबल सुस्ती के बीच एक बार को सहम गए भारत के जॉब मार्केट में फिर से हलचल दिखने लगी है। खास बात है कि नौकरियां देने के मामले में फिर से आईटी सेक्टर ने बाजी मार ली है, जिस पर वैश्विक मंदी का असर साफ दिखने लगा था। नौकरी जॉब स्पीक की रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी में देश भर में हायरिंग में 9% का इजाफा हुआ है। इसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ आईटी सेक्टर में देखने को मिली है, जहां हायरिंग में 10% की बढ़ोतरी हुई है। वैसे तो हायरिंग में इजाफा होना ही बड़ी राहत की खबर है, लेकिन आईटी सेक्टर में आई तेजी काफी दिलचस्प है। दरअसल अगर ग्लोबल सुस्ती से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला आईटी सेक्टर ही नौकरियां देने में लीड कर रहा है, तो बाकी सेक्टर्स तो आने वाले दिनों में बेहद मजबूत प्रदर्शन कर सकते हैं। हाल ही में जिस तरह से सर्विसेज एक्सपोर्ट्स में भी आईटी सेक्टर अगुवाई करता नजर आया, उससे आने वाले दिनों में शुभ संकेत मिल रहे हैं। जो लोग नौकरियों की तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी इस रिपोर्ट में काफी काम की जानकारी सामने आ सकती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिन नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की सबसे ज्यादा डिमांड है, उसमें शामिल है एनालिटिक्स मैनेजर, जिसकी डिमांड 29% बढ़ी है, बिग डेटा इंजीनियर की डिमांड 25% और क्लाउड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की मांग 21% बढ़ी है। इसके अलावा डेवसेक इंजीनियर्स की मांग 18%, इसके साथ ही डेटा वैज्ञानिकों की डिमांड 17% और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की मांग 11% बढ़ी है। अलग अलग सेक्टर्स में देखें जहां पर नौकरियों के मौकों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, तो उसमें शामिल है रियल एस्टेट, जहां पर नौकरियों के मौके 13% बढ़े हैं, हॉस्पिटैलिटी और हेल्थ केयर सेक्टर में नई नौकरियों के मौके 10-10% बढ़े हैं। इसके अलावा बैंकिंग में 9%, BPOs और रिटेल सेक्टर्स में पिछले महीने नौकरियों के मौके 7% बढ़े हैं। नौकरी देने में चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे में सबसे ज्यादा मौके पैदा हुए हैं। वहीं नए उभरते शहरों में कोयम्बटूर और चंडीगढ़ में भी नौकरियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। आज तक ब्यूरो। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आज तक के साथ। आज तक HD, सबसे तेज सबसे ज्यादा।